नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज से है और हमारा टॉपिक है ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें। कुछ लोगों को ओवरथिंकिंग की एक आदत जैसी हो जाती है, सिर्फ एक आदत है, लगातार सोचते चले जाते हैं, मन पर इतना ज़्यादा जोर डालते हैं कि एक टाइम में जाकर मन का ब्रेकडाउन तक हो जाता है। ऐसी लोगों की हालत होती है। ओवरथिंकिंग आज के टाइम की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि फिजिकल लेवल से हम बहुत दूर हो गए हैं, इसलिए लगातार माइंड पर प्रेशर डालते रहते हैं, इसलिए ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। खुद से बात करना कैसे कम करें, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ओवरथिंकिंग एक आदत है, चिंता में रहना, लगातार तनाव में रहना। इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, रूमिनेटरी वर्ड यूज किया जाता है। मन इतना ज्यादा क्यों सोचता है, एक बार हम इस पर चलते हैं। क्यों सोचता है मन? मन के अंदर थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। मन जो है, हमारे मन में चार डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि मन में एक टॉकेटिव पार्ट है, वर्बल पार्ट है। जरा आप अभी अनुभव करके देखिए, इस बात को अनुभव करके देखिए, मन में एक हिस्सा है जो बातचीत करता है, बोलता है, वर्बल पार्ट है। एक दूसरा पार्ट है चित्त, जो विजुअल पार्ट है, जो फोटोग्राफ बनाता है, जो चित्र बनाता है। और तीसरा पार्ट है बुद्धि, जो डिसीजन लेता है ये ठीक है या गलत है। और चौथा पार्ट है अहंकार, यानी ईगो, जो कि चौथा इसे कहा जाता है। और मन का काम है हमारी कमियों को दुरुस्त करना, ठीक करना। मन हमेशा कमियों पर काम करता है, और बुद्धि जो है वो अहंकार की गुलाम है, और चित्त का काम विजुलाइज करना है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बुद्धि, हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं वो हमारे ईगो से रिलेटेड होते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने वाली होती है तो वह बहुत पसंद आती है। मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपके मन में आपने एक ख्याल आया, आपने कोई एड देखी टीवी में, आपने देखा कि किसी लग्जरी कार की एड है जिसकी कीमत कम से कम 15 लाख की है। आपने देखा, पहले कार की एड देखी, मन में इच्छा पैदा हुई, यार ये कार ना, ये इस कार के बारे में थोड़ी आपने डिटेल जानी, कार इतनी सुंदर दिखती है, इंटीरियर ऐसा, एक्सटीरियर ऐसा, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बारे में सारी डिटेल आपने देखी। आपके मन के ऊपर एक छाप पड़ी, मन में कुछ शब्द पैदा हुए, कुछ फोटो पैदा हुई, तो वर्बल पार्ट एक्टिवेट हुआ जिसने आपको कहा कि मुझे ये चीज चाहिए। इसके कारण जो पिक्चराइजेशन शुरू हुआ कि जब ये कार मेरे पास आ जाएगी तो मुझे कैसा लगेगा, How will I feel? और फिर साथ में कुछ और ट्रिगर होता है, ईगो वाला पार्ट एक्टिवेट होता है, जो कहता है कि हाँ, अगर ये कार तुम्हारे पास हुई तो तुम्हारी टोर बन जाएगी, तुम्हारी ईगो बिल्कुल एकदम नंबर वन, मजा आ जाएगा यार, सारे दोस्तों को मैं ऐसे ऐसे करके पीछे कर दूंगा और मैं सबसे नंबर वन निकल जाऊंगा। ये आपने अपने आप को समझाया, वर्बल, विजुअल और उसके बाद अहंकार। इसके बाद अहंकार इतना पावरफुल है कि वो बुद्धि को भी डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। बुद्धि को कहता है कि ये का डिसीजन लो और इस गाड़ी का इंतजाम करो, क्योंकि ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये मुझे सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है। और हमारी बुद्धि क्योंकि अहंकार की गुलाम है, इसलिए हम अधिकतर उस चीज को मान लेते हैं। फिर बुद्धि हमारे फिर वर्बल मन को नया ट्रिगर देती है और कहती है कि अब कुछ ऐसा करो कि इसे गाड़ी कैसे आपके पास में आए, सीधा तरीका लगाओ, ऐसे पैसा अरेंज करो, ये करो, वो करो। फिर उससे फिर विजुअल पैदा होता है, फिर विजुअल से फिर ईगो पैदा होता है, फिर उससे फिर डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है, और ये साइकिल ऐसे चलता चला जाता है। दोस्तों, जरा इस चीज को बहुत अच्छे से जरा समझ लेते हैं, फिर आपको बहुत मजा आएगा इस बात को समझने में, और आप अपने मन को बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएंगे। आप देखिए इस साइकिल को, आप देखिए अधिकतर हमारे जो जो विचार होते हैं वो ऐसे ही घूमते हैं, इस साइकिल में घूमते हैं। कभी कभी कोई पार्ट विजुअल से जल्दी शुरू हो सकता है, कभी कभी कोई पार्ट ऑडियो से ज्यादा शुरू हो सकता है। अगर आपकी ओवरथिंकिंग को रोकना है तो इनमें से किसी एक पार्ट को कंट्रोल कर लो, आपकी ओवरथिंकिंग कंट्रोल में आ जाएगी, किसी एक पार्ट को। लेट से आप अपने वर्बल पार्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। याद रखिए, वर्बल पार्ट का मतलब है जो आपके अंदर विचार पैदा कर रहा है, वो हिस्सा जो कह रहा है कि ये करो और ये मत करो, ड ड ड ड, ये ऐसा अच्छा है, ये जो कह रहा है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे दोस्त ऐसे बात करनी है, ये बात ऐसी है वैसी है, व्हाटएवर, ये वर्बल पार्ट है जो ऑडियो की फॉर्म में आपके मन में चलता है। फिर जो विजुअल पार्ट पैदा होता है, जो पिक्चराइज करता है उस चीज़ को, कि आप उसे रोक सकते हैं? अगर वर्बल पैदा हो गया तो विजुअल को रोकना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप उसे रोक सकते हैं। अगर आप इस दौरान थोड़े से साक्षी रहें, चैतन्य रहें, तो आप उसे रोक सकते हैं। इसलिए अब बात आती है थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की।
अगर आपकी चेतना थोड़ी सी भी एक्टिव है तो मन में उठने वाले किसी भी ख्याल पर आप विचार को रोक सकते हैं। वर्बल पार्ट ने कुछ बोला कि मुझे ये चीज अच्छी लगी, आपने तुरंत वहीं का वहीं उसे रोक दिया, उस वॉइस को थोड़ा डिम कर दिया अपने मन से। सिंपली आपने कहा ये वॉइस मैं नहीं चाहता और मैं इस वॉइस को कम कर रहा हूं, आपने उस पार्ट को हटा दिया, बात खत्म हो गई। तुरंत रोका जा सकता है एक तरीका, लेकिन आपको थोड़ा सा होश चाहिए उसके लिए, याद रखिएगा बिना होश के ये काम होगा नहीं। दूसरी बात, हो सकता है उसकी जगह पर आपने उसकी जगह पर विजुअल इमेज ज्यादा अच्छी आई, पिक्चर बनी, और पिक्चर बनते ही आपके दिल में इच्छा पैदा हुई। अब पिक्चर को भी आप हटा सकते हैं, मैंने कहा एनएलपी की टेक्निक यूज करते हैं, पिक्चर को आप डिम कर सकते हैं अपने मन की स्क्रीन से, आप उसे डिम करके साइड में कर सकते हैं कि मैं इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता। इट कुड बी एनी टॉपिक, आज वो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है कल को बुरा भी लग सकता है, कोई दर्दनाक टॉपिक भी आपका मन ऐसे ही आपके सामने लेकर आता है जैसे वो अच्छे टॉपिक को लेकर आ रहा है। अब तीसरी चीज जो इसको रोक सकती है वो है ईगो। अगर आप अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो आप देखेंगे बेशक विजुअल ने काम किया, बेशक वर्बल पार्ट ने काम किया, लेकिन अगर ईगो जो है आपके वश में है, थोड़ा सा आपने कंट्रोल किया और कहा कि मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये गाड़ी चाहिए ही नहीं, बात खत्म होगी। आप थोड़े से भी होश में है तो काम यहीं का यहीं रुक गया, फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपका चौथा हिस्सा बड़ा स्ट्रोंग हो, स्ट्रोंग हो का मतलब है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी बुद्धि इतनी स्ट्रोंग हो कि ईगो को साइड में कर दे, बुद्धि कहे कि देखो मुझे नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट अफोर्ड दिस गाड़ी, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कार, सो आई एम हैप्पी, एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी, मेरे पास जो अपनी गाड़ी है अपनी वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, तो बात खत्म हो गई। आप इनमें से किसी पार्ट को भी कंट्रोल करके अपने इस पूरे साइकिल को ब्रेक लगा सकते हैं। इसके लिए होश चाहिए, इसके लिए साक्षी भाव चाहिए, अपने मन पर लगातार नजर रखनी चाहिए। मैं एक बड़ा मजेदार चीज मैं जो करता हूं, हर एक घंटे के बाद एक छोटा सा एनालिसिस अपने माइंड का, एक छोटा सा एनालिसिस, मोबाइल में कोई भी ऐप लगा सकते हैं, जैसे माइंड बेल नाम की एक ऐप आती है, कोई भी ऐसी ऐप लगा लीजिए जिससे आपको अलार्म मिल जाए, एक थोड़ी सी ट्यून मिल जाए, इस ट्यून ने आपको एक घंटे बाद याद दिला देना है कम बैक टू योर सेल्फ, अपने अंदर वापिस आ जाओ, और आपने अपने अंदर एनालाइज करके देखा कि मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है, आपने देखा कि वर्बल पार्ट कुछ कर रहा है या विजुअल पार्ट कुछ कर रहा है या ईगो कुछ कर रहा है या बुद्धि कुछ काम कर रही है, आपने इन चारों चीजों के प्रति थोड़ी सी अवेयरनेस बना ली, और जैसे ही आप अवेयरनेस बनी, जैसे ही चेतना का उदय हुआ, इस सारे के सारे कामों पर ब्रेक लग जाती है, क्योंकि चेतना ओवरऑल जो पावर है इन सब को चलाने के लिए जो शक्ति चल काम कर रही है वो आपकी चेतना की पावर है, आपकी कॉन्शियसनेस की पावर है। ये सब अंधेरे में है अगर आप नहीं है, तो जिस दिन आप यहां इसके अंदर से आपकी चेतना यहां से हट गई तो इस सारी चीजों का सारा सारा का सारा जो खेल चल रहा है ये तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए आपकी चेतना के अंदर जैसे ही होश की मात्रा बढ़ती चली जाएगी ये सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने आप शांत होते चले जाएंगे। तो मन को रोकने का ये बेहतरीन तरीका है, आप एक पार्ट को भी रोक दें, सिर्फ एक पार्ट को रोक दें एंड द थिंग्स विल बी ओवर। इसको तीन से चार दिन तक लगातार आप प्रैक्टिस करके देखें और चमत्कार होना शुरू हो जाएगा जीवन के अंदर, ऐसा चमत्कार होगा आपके मन के अंदर विचार खत्म होने शुरू हो जाएंगे, आप बिल्कुल साइलेंट रहना शुरू कर दोगे, लगेगा इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, एंड इट्स सो ब्लिसफुल, इतनी शांति, इतना ठहराओ, बस कहना ही क्या। तो दोस्तों विचारों को रोक कर देखिए तो आपकी धीरे धीरे जो चेतना इतनी एक्टिवेट हो जाएगी, इतनी जागृत हो जाएगी कि आप अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। इससे आत्मा का कल्याण होगा, एट द सेम टाइम आपकी डे टू डे लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विचारों का लगातार चलते रहना, वो जो है वो कम पड़ जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा, और आप देखेंगे कुछ समय के बाद विचार आने ही बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे। हम तो जब जोर डालते हैं ना हमारे मन में तब विचार आते हैं, वरना विचार खाली चल रहा होता है, मामला बिल्कुल ब्लैंक होता है। सोचिए कितना मजा आता होगा, कितना आनंद आता होगा। तो इसलिए दोस्तों इस अवस्था में पहुंचने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।